बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बाउंडेड सेट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा पास जो सेट होता है वो बाउंडेड सेट कब होता है। तो बाउंडेड सेट होने के लिए दो कंडीशंस हैं। नंबर वन है वो अपर बाउंड होना चाहिए और नंबर टू है उसका लोअर बाउंड होना चाहिए। तो बाउंडेड सेट के लिए टू कंडीशन जरूरी है, वो अपर साइड में भी बाउंडेड हो और लोअर साइड में भी क्या हो, बाउंडेड हो। ठीक है, तो लोअर बाउंड क्या होता है? लोअर बाउंड यह होता है, इसको मैंने अल्फा से डिनोट किया, अल्फा लेस देन इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आई, यानी जितने भी नंबर इसमें बिलोंग करते हैं, जितने भी नंबर इस सेट में बिलोंग करते हैं उससे जो हमारे लोअर बाउंड होंगे वो या तो कम होंगे, इनसे जो होंगे हमारे पास जो नंबर होंगे वो या तो कम होंगे या बराबर होंगे। तो इस सेट के लिहाज से अगर हम देखें कि लोअर बाउंड से कौन से हैं, तो वो है हमारे पास, सेट बना लेता हूं मैं 4, 3, 2, 1, ये इस तरह चलते जाएंगे, क्योंकि इसमें जो हमारे पास फोर नंबर है उस पर इक्वल वाली कंडीशन फुलफिल होती है और उसके अलावा लेस देन 4, 3, 1, 0, -1, इस तरह ये चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके लोअर बाउंड्स। ठीक है, और अपर बाउंड्स कौन से होते हैं? अपर बाउंड्स सेट के वो एलिमेंट होते हैं जो उस सेट के बराबर हो या उससे बड़े हो। ठीक है, अब ये बीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आई, इक्वल वाली कंडीशन 10 पे सेटिस्फाई करेगी और ग्रेटर वाली 11, 12। तो मैं सेट लिख देता हूं 10, 11, 12, इस तरह इसके अपर बाउंड्स ही चलते जाएंगे अप टू 1। तो कहने का मतलब ये है कि लोअर बाउंड जो होते हैं वो किसी भी सेट में लेस देन और इक्वल होते हैं और अपर बाउंड ग्रेटर देन और इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होती है, यानी वो जो सेट है वो अपर बाउंड भी रखता है, अपर बाउंड भी रखता है और लोअर बाउंड भी रखता है, तो वो सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, ये मैंने आपको लार्ज ब्रैकेट के बारे में दी है। अब मैं आपको स्मॉल ब्रैकेट, अगर यही सेट फर्ज करें स्मॉल ब्रैकेट में होगा 4, 10, तो इसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड कौन से होते? अगर अब हम इसे गौर से देखें तो इसमें 4 और 10 इंक्लूड नहीं है। अब हमें ये नहीं पता कि 4 के आगे वाला नंबर कौन सा है, ठीक है, और किससे ये बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को भी इंक्लूड करेंगे इसके अपर बाउंड, ये लोअर बाउंड में, सॉरी 4, 3, 2, 1, इस तरह ये चलता जाएगा, इसके जो लोअर बाउंड है ये चलते जाएंगे। ठीक है, और अपर बाउंड जब आप देखोगे तो उसी तरह 10, 11, 12, इस तरह ही चलते जाएंगे। इसमें जो इक्वल, अगर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट हो तो हम इक्वल वाली कंडीशन इधर फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि 10 के पीछे नंबर कौन सा है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो नंबर्स के मोबाइल बेशुमार नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि 10 से छोटा नंबर कौन सा है, तो हम ग्रेटर वाली कंडीशन इधर लगा देंगे और लेस वाली कंडीशन इधर लगा देंगे और इन दोनों को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इससे छोटे का नहीं पता और इससे बड़े का नहीं पता, इसलिए हम ये दोनों प्रोसेस इधर करेंगे। अगर हम इसी को ब्रेसिस में लिख दें, इसी सेट को फर्ज करें, जो 2 नंबर लिखता हूं इसमें जो इसके बिटवीन नंबर इंक्लूड है, अगर हम इसको सिर्फ ब्रेसिस में लिखें 4 और 10, ठीक है, इस सिचुएशन में भी इसके जो लोअर बाउंड होंगे वो हमारे पास ये होंगे और जो अपर बाउंड होंगे वो हमारे पास ये होंगे। ओके, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, इसको आपको क्लियरली समझ गए होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि 6 और 10 का मैंने ओपन सेट लिया था कि ये हमारे पास क्वार्टर सेट है या नहीं है, तो इसको मैं पहले लिखता हूं। तो इसमें जो हमारे पास नंबर्स आएंगे 7, 8, 9 ही आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप इस पर देखें तो इस पर ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है, इसके अलावा आर्डर जो प्रॉपर्टीज है दो, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन और ट्रांजिटिव, ये चारों प्रॉपर्टीज इसको सेटिस्फाई होते हैं। ये वाला जो हमारे पास सेट था वो हमारे पास एक ऑर्डर सेट था। ठीक है, मैंने जो ये न्यू वीडियोस जो यानी रियल एनालिसिस की शुरू की है, इसमें मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। अगर आप क्वेश्चन के सबसे ज्यादा और सही जवाब दोगे जिसकी कैलकुलेशन आसर में होगी, तो मैं आपको 1 मंथ फ्री ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाऊंगा। तो आज का क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ये है, ये सेट आई है मेरे पास, ये आपने बताना है ये वाला जो सेट है ये बाउंडेड है या नहीं है। अगर कोई भी सेट मैं रिफीट कर देता हूं वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड रखता है तो वो बाउंडेड होगा, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के बारे में होनी चाहिए मुझे कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसे बनाने की कोशिश करूंगा। असल में एक छोटी सी गुजारिश कि अपने वालदैन की इज्जत कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।